हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिल्मी बॉलीवुड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सन 1993 में आई फिल्म शतरंज से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट और कुछ रोचक बातें जो शायद ही आप जानते होंगे, और साथ ही साथ जानेंगे इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, शतरंज एक हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे 17 दिसंबर सन 1993 को रिलीज़ किया गया था। फिल्म में नज़र आए थे जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती, कादिर खान, शक्ति कपूर, किरण कुमार, दिनेश हिंगो, जूही चावला, दिव्या भारती, उषा नदकर्णी और गवीन जैसे बेहतरीन कलाकार। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर अजीत सेजवाल ने। आगे चलकर इन्होंने सन 1995 में संजय दत्त और गोविंदा के साथ आंदोलन, सन 1996 में धर्मेंद्र, आदित्य पंचोली और सोमी अली के साथ माफिया, सन 1997 में संजय दत्त और मनीषा कोइराला के साथ सनम, सन 2001 में संजय कपूर, मनीषा कोइराला और ममता कुलकर्णी के साथ छुपा रुस्तम, सन 2002 में गोविंदा और रानी मुखर्जी के साथ चलो एक सलाया जैसी बेहतरीन फिल्में डायरेक्ट की हैं। वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था अरुण एस ठाकुर ने और डायलॉग्स लिखे थे कादिर खान ने। स्क्रीन प्ले और स्टोरी लिखी थी संजीव दुग्गल ने। म्यूजिक दिया था आनंद मिलन ने। फिल्म के म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे और गाने थे दिल पे तेरा प्यार, एक से बने दो, ऐ सनम इतना बता, परोडी सॉन्ग कोई नहीं दीवाना मेरे जैसा, मैं ना जानूँ तू ना जाने। इन सारे ही गानों को अपनी प्यारी आवाज़ से सजाया था कुमार सानू, उदित नारायण, अभिजीत, सुदेश भोसले और पूर्णिमा ने। फिल्म के सारे ही गाने शानदार और जानदार थे। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। इस फिल्म को 2,25,00,000 के बजट के साथ बनाया गया था। इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 4 करोड़ रुपए की कमाई करी थी और अपने पहले हफ्ते में 33,00,000 रुपए की कमाई करी थी और पूरे इंडिया में 3,80,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में 5,10,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी। और पॉपुलर वेबसाइट IMDb की तरफ से इस फिल्म को 6.3/10 IMDb रेटिंग मिली हुई है और सन 1993 में ये फिल्म कमाई करने के मामले में 27वें नंबर पर थी। अगर हम सन 1993 की टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कमाई करने के मामले में पहले नंबर पर थी गोविंदा और चंकी पांडे की फिल्म आंखें, दूसरे नंबर पर थी संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और माधुरी की फिल्म खलनायक, तीसरे नंबर पर थी राजकुमार और नाना पाटेकर की फिल्म तिरंगा, चौथे नंबर पर थी शाहरुख खान और काजोल की फिल्म बाजीगर, पांचवें नंबर पर थी सनी देओल और ऋषि कपूर की फिल्म दामिनी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट और कुछ रोचक बातें जो शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, फिल्म में कादिर खान से पहले उनका रोल अमिताभ को ऑफर किया गया था लेकिन अमिताभ ने इस फिल्म में काम करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद कादिर खान को साइन किया गया था। इसके अलावा फिल्म में कादिर खान के बेटे सरफराज ने उनके बचपन का रोल प्ले किया था। दोस्तों, ये फिल्म दिव्या भारती की आखिरी फिल्म थी जो उनकी मौत के बाद रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के रिलीज़ होने से 8 महीने पहले यानी कि 5 अप्रैल को दिव्या भारती की मौत हो गई। उन्होंने अपनी मौत से पहले फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर ली थी पर उनकी डबिंग करना बाकी थी जो कि बाद में डबिंग आर्टिस्ट ने डब की थी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म शतरंज से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट और कुछ रोचक बातों के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो किस मूवी पर बनाऊँ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।